जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार करदम कर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ड्रॉ हूं और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कर नॉर्थ ईस्ट। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के ईएम रतन तेरन द्वारा आयोजित किया गया सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम। दीपू बारुवारी मंदिर में आयोजित किया गया कोविड-19 किट्स के वितरण का कार्यक्रम। लामडिंग रोड में हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के दफ्तर का रखा गया आधारशिला। आइए जान लेते हैं खबरें अब विस्तार से। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग से कार्बेंगला ऑटोनोमस काउंसिल के कार्यकारी सदस्य श्री रतन तेरन द्वारा आयोजित किया गया सैनिटाइजेशन का एक कार्यक्रम, जिसे कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से छुटकारा पा सके। कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्बेंगला ऑटोनोमस काउंसिल के नए सेक्रेटरियट बिल्डिंग डिफू में, जहां उपस्थित हुए कार्बेंगला ऑटोनोमस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम रोहांग जी, साथ में ईएम मंगल सिंह तिमू, मिस्टर रिचर्ड टोगबी बोर्ड चेयरमैन और एमएससी डॉक्टर मनसिंह रोंगपी, पूर्व एमएलए मिस्टर अजित कुमार दे एमएससी और कई सारे दिग्गज लोग। चलते हैं अगली खबर की ओर। आज कार्बेंगला ऑटोनोमस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोहांग जी दीपू बारुवारी मंदिर में कोविड-19 किट्स के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और कहते हैं कि जब से असम सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं पूरे राज्य में, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है सबकी भलाई के लिए उनकी मेहनत को मद्देनजर रखते सभी को वैक्सीनेशन करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की ओर। कार्बेंगला ऑटोनोमस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम रोहांग जी के द्वारा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के ऑफिस बिल्डिंग के लिए रखा आधारशिला कार्यक्रम लामडिंग रोड डिफू में, साथ में उपस्थित हुए श्री विद्या सिंह इंगलैंग एमएलए, मिस्टर रतन तेरन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के ईएम, श्री मंगल सिंह तिमोंग ईएम, मिस्टर रिचर्ड टोगबी और सहयोगी और कई सारे दिग्गज लोग। न्यूज डेस्क, मिलते हैं नई खबर के साथ, देखते रहिए एनएन वार्ता कार्बेंगला नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।